वेलकम बैक टू माय चैनल निवेला क्लासेस। आई एम निवेदिता जयसवाल। आज हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे व्हीकल पर जो नंबर प्लेट लगे हुए होते हैं वो बहुत ही जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर के रहते हैं। किसी की व्हाइट कलर की रहती है नंबर प्लेट, किसी की येलो कलर की रहती है नंबर प्लेट, किसी की रेड कलर की नंबर प्लेट रहती है। तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये नंबर प्लेट आखिर कौन अलग अलग कलर की क्यों होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इसको अलग अलग जो कलर्स दिए गए हैं सबके लिए, कौन बिजनेसमैन लोग यूज़ करते हैं, कौन सी कलर की नंबर प्लेट या कौन सी पर्सनल गाड़ियों के लिए उपयोग होती है, कौन सी पर्सनल व्हीकल के लिए उपयोग होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एंड उसमें जो नंबर लिखा हुआ रहता है वो भी डिफरेंट कलर के होते हैं, तो उसे कौन कौन यूज करते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कानून के अंतर्गत सजा एवं जुर्माने का भी प्रावधान है। तो हम लोग बात करते हैं व्हीकल के अंतर्गत जो नंबर प्लेट लगी हुई होती है अक्सर हम लोग का ध्यान नहीं जाता है, बट हम लोग जानेंगे इस प्लेट्स के कलर एंड उस पे लिखे नंबर की जो कलर है उसकी उपयोगिता एंड यूज एंड इसकी क्या क्या अहमियत है उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लैक कलर की। अगर हम कोई भी गाड़ी को किराए पर लेते हैं ओके एंड उसको हम लोग खुद यूज करते हैं तो उसमें ब्लैक कलर की नंबर प्लेट होती है। और अगर ब्लैक कलर की नंबर प्लेट पर ओके येलो कलर से नंबर लिखा हुआ रहता है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, ब्लैक कलर की नंबर प्लेट पर येलो कलर से नंबर लिखा हुआ रहता है तो वो होटल में उपयोग किया जाता है, जैसे इम्पोर्टेंट गेस्ट को आने जाने के लिए इस तरीके के जो नंबर प्लेट्स होते हैं, इस तरीके की जो येलो कलर से लिखा हुआ रहता है तो उसमें होटल वगैरह में यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो कलर्स है, कलर है वो रेड कलर की। रेड कलर की जो नंबर प्लेट अगर आप देखते हैं तो इसका उपयोग अक्सर जो हमारे जो राष्ट्रपति हो गए या स्टेट के गवर्नर हो गए या प्रधानमंत्री हो गए तो उनकी जो गाड़ियां होती है, उनकी जो व्हीकल होती है उसके अंतर्गत तो वो रेड कलर की नंबर प्लेट लगाया जाता है। और उसमें आपको एक बात और बता दूं कि उसमें राष्ट्रीय चिन्ह जरूर लगा हुआ रहता है, जैसे कि आपके तिरंगा झंडा हो गया या सत्यमेव जयते हो गए या कोई भी चीज, जैसे आपको राष्ट्रीय चिन्ह उसके उसमें प्रतीक जरूर लगा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाइए कि ये भारत के जो प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए या गवर्नर हो गए उनकी गाड़ियां यहाँ पे रेड कलर की नंबर प्लेट उसमें लगी हुई रहती है। ओके, यहाँ तक आपने समझे, मुझे थोड़ी खांसी हो गई है, अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा हो तो सॉरी। अगर रेड कलर की नंबर प्लेट में व्हाइट कलर से नंबर लिखा हुआ रहता हो तो इस तरह के व्हीकल जो हमारे जो आपके कार बनाने वाले कंपनी निर्माता हो गए तो टेस्ट ड्राइव के लिए देते हैं। आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी कार खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ड्राइविंग के लिए देंगे कि पहले आप टेस्ट करके देखिए कि आपको कंफर्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप सही है कि नहीं है, इसमें आप सही से आप एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो अगर रेड कलर की नंबर प्लेट पर व्हाइट कलर से लिखा हुआ नंबर रहता है अगर, तो आपको वो समझ जाइएगा कि वो जो कार बनाने वाले कंपनी निर्माता है या व्हीकल जो कंपनी है उसकी जो निर्माता है वो टेस्ट ड्राइव के लिए ऐसी नंबर प्लेट एंड ऐसे नंबर लिखा हुआ उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कलर है येलो। अगर येलो कलर की अगर आप नंबर प्लेट देखते हैं तो ये व्यवसायिक की पहचान होती है, जैसे बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी उत्पादन करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे सामान को ढोना रहता है, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना रहता है, या आप देखते होंगे कि जो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जैसे कुछ भी व्हीकल को यूज़ किया जाता है, जैसे टैक्सी हो गया, ट्रक हो गया, या आपके जैसे पिकअप वगैरह हो गए, वैन वगैरह हो गए, तो इस तरीके की यूज जो है बिजनेस के लिए किया जाता है। इस तरीके के जो येलो कलर की नंबर प्लेट है तो आप हमेशा देखते होंगे कि स्कूल बस वगैरह हो गए, तो ये सब क्या है कि बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए व्यवसाय करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, तो आप
इसमें क्या है कि येलो कलर की नंबर प्लेट लगी हुई रहती है और काले इंक से लिखा हुआ रहता है, जो ब्लैक कलर की इंक है उससे नंबर लिखा हुआ रहता है। तो समझ जाइए कि ये बिजनेस से कोरिलेट है या बिजनेस से रिलेटेड है, इसीलिए इस तरह की नंबर प्लेट लगी हुई है। ओके, अब नेक्स्ट आता है व्हाइट। इस कलर की नंबर प्लेट को पर्सनल यूज के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आप, आपके घर में अगर गाड़ी है तो आप क्या कर, आप जैसे आपको मार्केट जाना हुआ या शॉपिंग करने जाना हुआ या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना हुआ, तो आप क्या है कि पर्सनल गाड़ी रखते हैं। पर्सनल, जैसे ऑफिस जाना हुआ तो आप पर्सनल पर्सनल व्हीकल का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या है कि पर्सनल अगर आपकी गाड़ी है तो उसमें वाइट कलर की नंबर प्लेट लगी हुई रहती है एंड ब्लैक कलर की इंक से लिखा हुआ रहता है। तो ऐसे व्हीकल को हम लोग बिजनेस के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे जैसे आप अगर पर्सनल यूज के लिए कोई भी गाड़ी रखे हो और अगर आप उसको बिजनेस से, बिजनेस में आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए उपयोग करने के लिए आपको उसके लिए अलग से नंबर प्लेट बनवाना होगा। आप इस तरीके से आप समझ गए कि कौन कौन से कलर्स की जो उपयोग है, कौन कौन सी कलर्स की नंबर प्लेट है, उसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है या किस तरीके की इंक से लिखा जाता है या किस तरीके के कलर से लिखा जाता है, तो उसका उपयोग कौन कौन करते हैं एंड उसकी उपयोगिता एंड उसकी पहचान आपने समझ ली है। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको जो अनफेयर ट्रेड जो कंज्यूमर है, अनफेयर ट्रेड उसके बारे में आपको मैं डिस्कस करूंगी। तब तक आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।